दोस्तों आज फिर आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी की जीवन परिचय लेकर आया हूँ। देखिएगा, लिखा हुआ है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिषमती था। द्विवेदी जी ब्राह्मण परिवार से थे। इनके बचपन का नाम वेदनाथ द्विवेदी था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु 18 मई सन 1979 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में साहित्यिक परिचय डालना है। साहित्यिक परिचय में लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में इनका बहुत योगदान है। 1930 ईस्वी में काशी हिंदी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की कई विभागों के अध्यक्ष रहे। उसके बाद में तीन कृतियाँ लिख देनी है आपको, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका और कबीर। और इसके बाद पूरा प्रोसेस इतना लिख देंगे आपको, एग्जामिनर है पूरा नंबर देगा।